So what we are riding today is Tiger 900 Rally Pro, a 2024 variant. So we got little bit of cosmetic changes in this motorcycle, one of which is this, the bike beak. It is little wider, like what we have in Tiger 1200 Rally. And then we have a bigger looking tank, not the capacity wise, but the visuals. अभी दिखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है वो टैंक. ये थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, दो मेन चीज़. उसके अलावा जो चीज़ें चेंज हैं एंड विच आई लाइक्ड पर्सनली इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं, अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये DRL लाइट जल रही है. अगर आप बाइक स्टार्ट करोगे तो इंडिकेटर्स भी जो हैं वो DRL मोड में ऑन हो जाएंगे. लेट मी शो दैट. सो इफ आई टर्न ऑन दी मोटरसाइकिल, इग्निशन ऑन करने का जब मैं बाइक स्टार्ट करूंगा, उसके बाद ये दोनों इंडिकेटर जो हैं ये DRL मोड पे ऑन है. तो अभी इनकी ब्राइटनेस बहुत कम है एंड एज सून एज आई विल स्टार्ट दी हजार्ड लैंप फ्रॉम हियर, इनकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली. दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर जो कि बाइक की विजिबिलिटी है वो बढ़ा के रखता है. बाइक राइड करने में बहुत ज़्यादा निम्बल है. लेट मी टर्न ऑफ दिस मोटरसाइकिल. राइड करने में बहुत ज़्यादा निम्बल है. लगता नहीं है कि आप 900 सीसी की बाइक चला रहे हो, बट आफ्टर दैट ऑल्सो द बाइक इज़ वेरी बिग, इट लुक्स ह्यूज और मैन्यूवरिंग इज़ वेरी ईजी ऑन दिस मोटरसाइकिल. पिकअप बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसकी जो पावर है वो बढ़ गई है 106 bhp से 108 bhp नाउ इट इज़. उसके अलावा जो टॉर्क है दैट इज़ 90 nm विच इज़ सेम एज द प्रीवियस 900 रैली प्रो मॉडल. उसके अलावा एक यहाँ पे डायरेक्ट USB-C टाइप चार्जर आपको दे दिया है जहाँ पे यू कैन चार्ज योर फोन डायरेक्टली. और जो मेन 12 वोल्ट चार्जर था वो अंडर द सीट है ऑलरेडी यहाँ पे, जस्ट लाइक द ओल्डर 900. ये कुछ कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इसका डिस्प्ले है वो सेम टाइगर 1200 जैसा डिस्प्ले यहाँ पे दे दिया है, विच इज़ अ बिगर वन. और दो राइडिंग मोड्स एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुए हैं, विच इज़ रोड, देन वी हैव स्पोर्ट मोड, देन वी हैड ऑफ रोड मोड, देन वी हैव ऑफ रोड प्रो मोड. दिस इज़ द न्यू मोड विच वी हैव इन दिस मोटरसाइकिल. वो पुरानी वाली 900 में नहीं था. देन वी हैव अ राइडर मोड विच इज़ अ न्यू वन इन दिस मोटरसाइकिल, इट वॉज नॉट देयर इन द ओल्डर वर्जन, एंड देन द रेन मोड. सो तो पिछले आधे घंटे से मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूँ और इतनी ज़्यादा निम्बल मोटरसाइकिल है जिसकी कोई हद नहीं है. मैन्यूवर ट्रैफिक के अंदर इधर उधर से करके कैसे भी निकालो, कोई वेट का पता नहीं पड़ रहा है. टाइगर 660 मैं चलाता हूँ जनरली, तो उसके अंदर मेरे को फिर भी पता पड़ता है बाइक का थोड़ा सा वेट, बट अब वो बाइक इससे हल्की है जबकि, और ये लाइक इट इज़ ऑन दी हैवियर साइड, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं पता पड़ता है मैनूवर करने के लिए कि कहाँ पे बाइक को आपको वेट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है. कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी स्मूथ है. शॉकर्स आर वर्किंग एब्सोल्युटली ग्रेट, विच इज़ अ प्लस प्लस फॉर मी एंड फॉर अ राइडर विद द हाइट ऑफ 6 feet 2 inches. अमेजिंग मोटरसाइकिल इट इज़. सो लेट्स गो एंड टेक इट ऑन द स्पिन. One more thing that has changed in this motorcycle is the sound of the motorcycle. So let's go closer to hear that. पहले वाले 900 से थोड़ा सा हैवी और ग्राउलिंग हो गया साउंड. सो ओवरऑल आई वुड गिव 9.5 टू दिस मोटरसाइकिल आउट ऑफ 10.5, इसलिए क्योंकि अभी इसके कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अभी तक मैंने खुद ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो वो एक्सप्लोर करने के बाद मेरी वो 0.5 हो जाए और वो 0.5 मेरे ख्याल से कवर हो ही जाएगा बिकॉज एनएचएस टाइगर इज़ माई फर्स्ट लव. तो ऑफकोर्स वो शॉप कॉर्नर हमेशा रहेगा टाइगर के साथ. ऑलराइट गाइस, टिल देन सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो.